आईपीएल 2021 के बचे हुए मैच सितंबर से लेकर अक्टूबर तक यूएई में खेले जाएंगे। अभी इसकी तारीखों और पूरा शेड्यूल का आना बाकी है। इस बीच सबसे ज्यादा सवाल टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी को लेकर है। माना जा रहा है कि आईपीएल 2021 एमएस धोनी का आखिरी आईपीएल हो सकता है। 8 टीमों का ये आखिरी आईपीएल होगा और इसके बाद आईपीएल 2022 10 टीमों का हो जाएगा। इसके लिए तैयारी भी चल रही है। आईपीएल 2022 से पहले सभी टीमों को अपने 4 खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी सबको रिलीज करना होगा। लेकिन क्या सीएसके एमएस धोनी को रिलीज करेगी? आज इसी पर इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि ये वीडियो आगे बढ़े, आपको याद दिला दें कि अभी फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। आईपीएल के अगले सीजन को लेकर एमएस धोनी की ओर से अभी तक कुछ नहीं कहा गया है, यानी कि अब तक आईपीएल खेलेंगे ये भी साफ नहीं है। लेकिन सीएसके के सीईओ काशी विश्वनाथ का कहना है कि धोनी अभी कुछ साल और आईपीएल खेल सकते हैं। काशी विश्वनाथ ने कहा कि धोनी अभी भी पूरी तरह से फिट हैं और वो अभी कम से कम 1 या 2 साल आईपीएल खेल सकते हैं। उनका अभी आईपीएल ना खेलने का कोई भी कारण नजर नहीं आ रहा। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि आईपीएल 2020 और आईपीएल 2021 में एमएस धोनी का बल्ला उस तरह कमाल नहीं दिखा सका जिसके लिए धोनी का जाना और पहचाना जाता है। आईपीएल 2020 में धोनी का बल्ला नहीं चला था और उनकी टीम आईपीएल के इतिहास में पहली बार प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई थी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए साल 2020 काफी खराब गया था, लेकिन साल 2021 में सीएसके ने वापसी की और लगातार मैच जीते। अभी तक की स्थिति देखें तो साफ नजर आ रहा है कि सीएसके इस बार प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। लेकिन क्या टीम एमएस धोनी की कप्तानी में चौथी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर सकेगी या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। साथ ही ये देखना भी दिलचस्प होगा कि एमएस धोनी आगे की आईपीएल को लेकर क्या कुछ सोचते हैं और वो अपने लिए क्या तय करते हैं। खैर, अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।